हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की कचौड़ी, जो बिल्कुल ही खस्ता और क्रिस्पी मार्केट जैसे बनने वाली है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने मूंग दाल, जो कि मैंने पहले ही भिगो दी थी 2-2.5 घंटे पहले, और ये अच्छे से भीग चुकी है। तो अब इसे हम एक बाउल में और निकाल लेते हैं, पानी निकाल देंगे इसका। और उससे पहले हम आटा लगा लेते हैं अपना। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया, आधा किलो मैदा लेंगे और मैदे को हम छन्नी से छान लेंगे कुछ इस तरीके से। मैदा छानना इसलिए ज़रूरी है, कई बार इसमें कुछ कीड़े वगैरह भी निकल जाते हैं, जैसे आप सभी को पता है। मैदा छान लिया। मैदा छानने के बाद इसमें मैं डालूंगी, ये एक छोटी सी कटोरी में मैंने घी लिया है। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से आपकी कचौड़ी जो है वो खस्ता क्रिस्पी नहीं बनेगी। घी के अंदर एक ऐसा लिक्विड सा होता है जिससे आपकी कचौड़ी बिल्कुल ही क्रिस्पी सी बन के आएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद इसको मैं अच्छे से एक बार इस तरीके से पहले घी और आटे अजवाइन को कुछ इस तरीके से मिक्स कर दूंगी, बिल्कुल बढ़िया से अपने दोनों हाथों की सहायता से कुछ इस तरीके से मिक्स करते हुए। और इसको अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी डाल के इसको एक आटे की डो की तरह हमें पूरा रेडी करना है, कुछ इस तरीके से। नॉर्मली जिस तरह हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल ही एक डो लगा लेंगे आटे का। मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे आटे का जो डो है मैदे का लग चुका है। अब इसे हम रख देंगे एक तरफ रेस्ट होने के लिए। तब तक मैं अपना मसाला ले लेती हूँ, इसे ढक के रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने मसाले में लिया है धनिया कूट लिए, जीरा, सौंफ और मेथी दाना, लाल मिर्च, नमक और काला नमक जरूर डालना, और हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई। आप चाहे तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और कस्तूरी मेथी तवे पे भून ली थी मैंने, और ये आमचूर पाउडर और हींग है और ये अदरक। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे अपना रिफाइंड ऑयल, जो कि सबसे पहले हमें मसाला रेडी करना है। इसलिए रिफाइंड ऑयल हमने लिया है यहाँ पर कुछ, आप मान लो 7 से 8 चम्मच लिया है। रिफाइंड ऑयल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने हींग डाला है। हींग में जब अच्छी सी महक आने लग जाए तब इसमें हम डालेंगे अपना अदरक बारीक कटा हुआ, जो कि मैंने कद्दूकस किया था। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक अदरक। ये देखिए, अदरक का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना जीरा, इसके बाद डालेंगे सौंफ, सौंफ डालने के बाद मेथी दाना, साबुत धनिया जो कि मैंने क्रश कर लिया था, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए करछी की सहायता से कुछ इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए, मतलब महक। और इसमें अब डाल देंगे हम, पहले 3 से 4 मिनट तक स्लो आँच में बिल्कुल पकाना है, भुनना है अच्छे से, तेज़ आँच पर नहीं, नहीं तो ये सारा जल के ख़राब हो जाएगा। जब 3-4 मिनट हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम बेसन, आधी कटोरी ली थी मैंने। आप कितने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सामान जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से पका लेंगे हम। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल बढ़िया से पकाते हुए ये बेसन भी हमारा पक चुका है। बेसन क्योंकि ऑयल छोड़ने लग गया है, मगर इसे हम 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे इसे इसी तरह। देखिए आप लोग, कलर बेसन का जो है वो भी चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस जो है हमें स्लो रखनी है, तेज नहीं। जब तक इधर हमारा बेसन पक रहा है, हम इस साइड अपना दाल जो मिक्सी जार में हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है इसे हमें, बस एक बार चलाना है और फिर मिक्सी जार का बटन जो है वो बंद कर देना है, क्योंकि इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही चाहिए हमें। ये देखिए आप लोग, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैंने किस तरीके का पीसा है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही बनाना है। और इस साइड हमारा जो है बेसन का लिक्विड जो है वो भी रेडी हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया से हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे काला नमक, लाल मिर्च और वाइट वाला नमक जो हम खाते हैं, हरी मिर्च, और इन सभी को मिक्स करते हुए कस्तूरी मेथी डाल देंगे अभी इसके अंदर हम। ये कस्तूरी मेथी डाल दी हमने बढ़िया से, और इन सभी को फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसका कलर और स्वाद की बात करें तो आप लोग मार्केट का खाना भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग उससे ज़्यादा अच्छा आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे दाल जो मैंने ग्राइंड की थी। देखिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसी है मैंने, दरदरा ही पीसा है। इस तरीके से निकाल लेते हैं,
ये निकाल लिया मैंने। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए कुछ हाथ की सहायता से बढ़िया से मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो है दाल के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल बढ़िया से इस तरीके से कुछ अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते रहिए। थोड़ी सी मेहनत है, मगर टेस्ट की बात करें बिल्कुल मस्त टेस्ट आने वाला है। इसमें आप चाहे तो काजू बादाम डाल सकते हैं, किशमिश वो आपके ऊपर है। ये करछी थोड़ी भारी लग रही है, मैं करछी चेंज करूँगी। ये देखिए करछी मैंने दूसरी ले ली है, इससे क्या है हल्की है, इससे जल्दी जल्दी मिक्स होगा। तो ये देखिए आप लोग बिल्कुल बढ़िया मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक और पकाते हुए गैस अपनी जो है वो ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हमें इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल में नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और इसे 1-2 मिनट तक अभी और पका लेते हैं मिक्स करते हुए। देखो बिल्कुल ही एक एक दाना अलग हो चुका है, ये नहीं कि चिपका हुआ है। तो अब हम यहाँ पर अपनी गैस बंद कर देते हैं फिलहाल में। अब यहाँ पर लास्ट काम बचा है हरा धनिया बारीक कट करके ऊपर से डाल देना गैस बंद करने के बाद। एक एक दाना अलग हो चुका है, अब इसे हम एक साइड कर देते हैं प्रेजेंट के लिए। एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक इधर अपनी कचौड़ी हम भरना स्टार्ट करेंगे, भरने से पहले इसी कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, तब तक ये स्लो आंच पे गर्म होता रहे। और इस साइड हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पैथन, थोड़ा एक्स्ट्रा आटा लेंगे। रोटी जिस तरह बेलने के लिए हमें एक्स्ट्रा आटे की ज़रूरत होती है, यहाँ पर हमें थोड़े मैदे की ज़रूरत है। और कचौड़ी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम बड़ी छोटी जैसा भी करना है कर सकते हो। और यहाँ पर अब हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे। बेलने के बाद ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से एक रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है। और इसके अंदर डालेंगे हम अब दाल, दाल की स्टेपिंग करेंगे, दाल मूंग दाल डालेंगे अपनी। और इसके इस तरीके से पकड़ के ये साइड से पूरा का पूरा जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है हमें सिर्फ वो निकाल देना है। और उसके बाद इस पे बेलन नहीं चलाना है, सिर्फ हाथ की सहायता से इस तरीके से कर देना है। इसी तरीके से आप अपनी सारी की सारी कचौड़ियाँ जो है वो तैयार कर लीजिए। ये मैंने 7 से 8 एक बार में बनाई है, क्योंकि इतनी हमारी रिफाइंड ऑयल में तल जाएगी इजीली। इस साइड हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, ये देखिए स्लो आंच पे बना रही हूँ। गैस तेज करने से अंदर का कच्चा रह जाएगा और ऊपर ऊपर से पक जाएगा, इसलिए प्लीज़ गैस स्लो ही करके बनाना। जितनी तसल्ली से बनाओगे उतनी ही ज़्यादा क्रंचिस और खस्ता बनेंगी ये कचौड़ियाँ। ये देखो अपने आप ही तेल में जाने के बाद ये फूल कर अपने आप ही ऊपर आएंगी। गैस तेज नहीं करना है, इसे पकाने के लिए हमें 7 से 8 मिनट लग जाएगा स्लो आंच पे पका रहे हैं क्योंकि। और एक नाइफ की या चम्मच की सहायता से इन सभी को इस तरीके से हम पलट देंगे, ताकि ये फूटे ना। पलट पलट के अच्छे से पकानी है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक एक एक करके आराम से पलट देना है। ये देखिए एक तरफ से अभी पलट दिए मैंने, ये देखिए अपने आप ही गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और ये कचौड़ियाँ ऊपर आ चुकी हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया से। ये देखिए आप लोग, मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है और बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी मार्केट से भी अच्छी कचौड़ी बनी है। आप लोग जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ करेगा, आपको यकीन नहीं होगी आपने इतनी टेस्टी और मसाले वाली कचौड़ी मज़ेदार बनाई है। तो इसे निकाल के एक प्लेट में मैं सर्व करके और दिखा देती हूँ आप लोगों को। तेल जो है इसको जो नीचे ही छान देना है, और जो आपने एक्स्ट्रा कचौड़ी बनाई हो वो उसमें डाल के आप फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक इधर आप गर्मा गर्म कचौड़ी सर्व कीजिए। चलो ले चलते हैं। एक इधर मैंने दो, ये सारी कचौड़ी तो डाल दी अभी फ्राई होने के लिए, यहाँ पर मैंने 2 कचौड़ी ली है। एक बिल्कुल ही फोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल क्रंची सी बनी है अंदर से, ये देखिए आप लोग। और एक को मैंने कम फोड़ी है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, जैसे कि रेड चटनी, ये मैंने घर पर बनाई है गुड़ की चटनी है, और लाल मिर्च से, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद ग्रीन चटनी डालनी है, ये पुदीने वाली चटनी बनाई है मैंने, ये देखिए। और इसके बाद आप चाहे तो इसमें दही, अनार डालना, नमकीन जितना भी डालो उतना ही कम है। कचौड़ी बिल्कुल मज़ेदार बनी है, मैंने यहाँ पर अभी नमकीन डाल
और इसके बाद इसके ऊपर दही डाल देनी है। प्याज बारीक कट कर लेना, जिससे कचौड़ी में आपके चार चांद लग जाएंगे और बिल्कुल ही मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी स्वाद आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ताकि आप लोगों को मेरी और भी ज़्यादा वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे मोटिवेट मिलता रहे, और इसी उम्मीद में और भी। थैंक यू फॉर वॉच माई।